आपको। That's all. That's all. दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को यूं ही जेंटलमैन नहीं कहा जाता। शाहरुख खान को अक्सर लोगों से बहुत ही सम्मान के साथ मिलते देखा गया। फिर चाहे कोई इंडस्ट्रीज का नया नवेला एक्टर हो, उनके फैंस हो या फिर कोई बुजुर्ग, शाहरुख खान सभी से प्यार और सम्मान से मिलते हैं। दोस्तों कई मौके पर शाहरुख खान को अपने को अभिनेत्री के कपड़ों को उनके कंफर्ट का भी ध्यान रखते हुए देखा गया। जब उनके घर कोई आता है तो वो दरवाजे पर उन्हें लेने और फिर छोड़ने भी जाते हैं। दोस्तों उनके यही खासियतें उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब किंग खान का एक वीडियो चर्चा में है जिसमें उनके साथ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी दिखाई दे रही है। दोस्तों शाहरुख खान और हेमा मालिनी किसी अवार्ड फंक्शन में दिखाई दे रही है। वीडियो में शाहरुख खान को हेमा मालिनी को सीढ़ियों से ऊपर स्टेज की ओर ले जाते हुए आप देख सकते हो। मगर दोस्तों इस दौरान हेमा मालिनी लड़खड़ाने लगती है और उनके पैर से सैंडल निकल जाता है। दोस्तों शाहरुख खान जैसे ही देखते हैं कि हेमा मालिनी के पैर से सैंडल निकल गई है तो वो खुद ही उनकी सैंडल उठाते हैं और अपने हाथों से उनसे सैंडल पहनाने लगते हैं। दोस्तों फिर बहुत ही आदर के साथ वह हेमा मालिनी को स्टेज पर लेकर आते हैं और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों कई यूजर कमेंट करते हुए शाहरुख खान के व्यवहार को लेकर उनकी तारीफ कर रही है। वीडियो में शाहरुख खान जिस तरह हेमा मालिनी की सैंडल उठा रही है उससे लेकर यूजर खूब कमेंट कर रही है। दोस्तों वर्कफ्रंट की बात करें तो साल 2023 में शाहरुख खान की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। तीनों ने ही दर्शकों को इम्प्रेस किया। पठान और जवान ने जहां 1,000 करोड़ के आसपास की कमाई की, वहीं डंकी ने भी जबरदस्त कलेक्शन किया था। दोस्तों इस फिल्मों के बाद शाहरुख खान जवान 2, सारे जहां से अच्छा, ऑपरेशन कुकरी और ब्रह्मास्त्र 2 की शूटिंग में बिजी चल रही है। दोस्तों ये फिल्में साल 2025 में रिलीज होगी। अगर आप इस शाहरुख के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट करें।